हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सेव एकेडमी। तो आज हम लोग बढ़ते बढ़ते लेक्चर 3 की ओर आ गए हैं, हमारे हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर, है ना। तो इस चैप्टर के जो थर्ड लेक्चर है हम लोगों का, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, है ना। तो उन क्वेश्चंस पे हम लोग जो है वर्क करेंगे, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं देखने में या फिर फील करने में उसके फिगर्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, फ्रॉम अ विंडो ए 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरा क्या है, एक घर है और 10 मीटर की ऊंचाई पे जो है क्या है, मेरा एक बिल्डिंग हमको दिख, मेरा जो विंडो है वो है, ठीक है। 10 मीटर की ऊंचाई पर मेरा विंडो है ना। अब ये जो विंडो है उसे पॉइंट ए से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, फ्रॉम अ विंडो ए 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ द टावर इज एक्स डिग्री। तो बोल क्या रहा है, इस ए पॉइंट से हमारा जो सी पॉइंट है उसके लिए हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है एक्स डिग्री। कितना है, एक्स डिग्री है, ठीक है। और कंडीशन हम लोग को दे दिया है, वेयर 10x इज इक्वल टू 5/2। 10x का वैल्यू हम लोगों को दे दिया गया है 5/2, ठीक है। ये x क्या है समझ में आ रहा है, और 10x का वैल्यू हम लोगों को प्रोवाइडेड है, ये हम लोगों को पता चल गया। और हम लोगों को क्या बोला गया है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट डी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है फुट डी का, ठीक है। कहां से, इस विंडो के पॉइंट ए से। अगर हम पॉइंट ए यहाँ पे देखें तो ए से फुट डी की ओर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ना। और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, बोल रहा है हम लोगों को कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है हमारा वाई डिग्री, है ना। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वाई डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट डी ऑफ द टावर इज वाई डिग्री। मतलब हमको यहाँ पे क्या डालना है, हमको यहाँ पे वाई डिग्री डालना है, ठीक है। अगर ये y डिग्री है, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन y डिग्री है, तो ये एंगल भी y डिग्री होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बोला हम लोगों को, कैलकुलेट द हाइट cd ऑफ द टावर इन मीटर्स। हमको क्या बोला कि ये जो टावर है इसमें cd का टोटल हमको लेंथ बताना है, ये हाइट हमको बताना है, ठीक है, ये हाइट हमको बताना है, क्लियर है। देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले सोचते हैं। अच्छा, ये 10 मीटर हमको मालूम है ना, ये 10 मीटर हमको मालूम है। अगर ये 10 मीटर मालूम है, ये एंगल वाई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा 10 वाई, ठीक है, टेन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/BD। क्यों, अच्छा देखिए, 10y के बारे में अगर हम बात करें, टेंजेंट ऑफ एंगल y, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर हम लोग को गिवन था, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब बोलेंगे आप, अब लोग पूछ सकते हो कि ये p अपॉन b ही आप क्यों लिए, आप टेंजेंट ऑफ एंगल y ही क्यों लिए, आप साइन ऑफ एंगल y ले सकते थे, आप कॉस ऑफ एंगल y ले सकते थे, आपने सिर्फ टैन ऑफ एंगल y ही क्यों लिया। तो हमको यहाँ पे दिख रहा था परपेंडिकुलर, है ना, और हमको चाहिए हाइट। अगर हमको ये पता है और हमको किसी तरीके से ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम लोग अपना काम जो है, हम लोग को सीडी का हाइट पता चल जाएगा, है ना। तो ये हमको 10 पता है, हमको बस सिर्फ क्या चाहिए, अगर हम इसको ई मार्क कर ले तो हमको सिर्फ सीई का डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर में कहानी है, और दोनों में एक चीज हमको दिख रहा है कॉमन, इस ट्रायंगल में भी अगर बात करें और इस ट्रायंगल में भी बात करें, दोनों ट्रायंगल में देखिए, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको बेस यहां पे भी मिल रहा है, बेस यहां पे भी मिल रहा है, और दोनों सेम है ना। तो ओवरऑल हमको क्या पता चला, हमको पता चला कि हमको बेस का रिक्वायरमेंट है दोनों ट्रायंगल में, है ना, हमको बेस का रिक्वायरमेंट है दोनों ट्रायंगल में। तो हमने क्या किया, हमने टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा लिया जिसमें हमको परपेंडिकुलर पता था और बेस का रिक्वायरमेंट था,
तो टेंजेंट ऑफ एंगल वाई जो है वो क्या होगा, पी अपॉन बी होगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टेन अपॉन बी, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, टेन है, और बेस क्या है ये हमको पता नहीं है, तो बेस को बी रहने दे रहे, बी मतलब बी डी, ठीक है। अच्छा तो हम लोग को बेस क्या मिलेगा, ये रहा हमारा टेन वाई। अब यहाँ पे कंडीशन एक और दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे टेन एक्स का वैल्यू 5/2 दिया हुआ था, उसी तरीके से टेन वाई का वैल्यू भी 1/4 दिया हुआ है ना, तो टेन वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1/4 पुट करेंगे, वो क्या होगा, टेन अपॉन बी के इक्वल होगा, क्लियर है। अच्छा अगर ये 1/4 टेन अपॉन बी के इक्वल है तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 10 × 4 दैट मीन्स 40 है ना, और किसमें आएगा, मीटर में, क्लियर है। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 40 मीटर, कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो ये रहा हमारा 40 मीटर बेस। अब अगर ये 40 है तो ये डिस्टेंस भी 40 ही होगा, है ना। अच्छा तो इस ट्रायंगल पे आते हैं, अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो tan x इज इक्वल टू एच अपॉन, हमको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, tan x इज इक्वल टू, अब ये जो h के बारे में हम बात कर रहे हैं वो h क्या होगा, c है ना, तो c अपॉन बेस, बेस हमारा क्या आया, अभी जस्ट हमने देखा कि ये 40 मीटर था, है ना, तो c अपॉन 40, और tan x का वैल्यू 5/2 गिवन है, तो 5/2 इज इक्वल टू c अपॉन 40 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगर 5/2 c अपॉन 40 के बराबर है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c विल बी इक्वल टू 5/2 × 40, दैट मींस 100 मीटर, है ना, हम लोगों को कितना मिलेगा, c का वैल्यू 100 मीटर मिलेगा। अच्छा c का वैल्यू अगर हमको 100 मीटर मिल गया तो ओवरऑल हमको किसका वैल्यू चाहिए, cd का वैल्यू चाहिए, हाइट cd चाहिए हमको, cd का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, c प्लस ed हो जाएगा, कितना हो जाएगा, c प्लस ed। अच्छा c का वैल्यू हमको मिल गया है 100 मीटर, अभी फिलहाल c रहने देते हैं, ed पे बात करते हैं, ये हमारा जो ed है वो ab के इक्वल है ना, ये ab ed के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस जगह पे ed के जगह हम लोग ab का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, c का 100 मीटर प्लस ab का 10 मीटर, तो हम लोग को ओवरऑल कितना मिलेगा, 110 मीटर, तो 110 मीटर जो है मेरा टोटल हाइट होगा, 110 मीटर जो है मेरा टोटल हाइट होगा टावर का, क्लियर है। हम लोगों को क्या बोला था, हम लोगों को हाइट पूछ रहा था टावर का, है ना, हम लोगों को हाइट पूछ रहा था टावर का, तो टावर का हाइट कितना हो जाएगा, 110 मीटर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, हमको क्या बोल रहा है कि एक टावर है, टावर के ऊपर एक पोल है जिसका हाइट 5 मीटर है, क्लियर है, एक पोल है जिसके ऊपर में एक टावर है और टावर का हाइट 5 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, बोल रहा है क्या कि कोई एक पॉइंट ए है हमारा ग्राउंड पे, वहां से जो पोल है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पोल कहां पे है, टावर के ऊपर में है, है ना, तो जो पोल है हमारा ग्राउंड से पोल तक का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पोल तक का कितना है, 60 डिग्री है, है ना, तो हम लोग को बोल दिया, अगर ये मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए है ग्राउंड का, तो यहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री, क्लियर है, ये हम लोग को 60 डिग्री गिवन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है,
ये रहा हमारा टावर, है ना, ये हमारा टावर इतना दूर है। तो ये जो टावर है इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। तो टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम लोग बनाए तो ध्यान से देखे तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बोला है 45 डिग्री है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो एंगल रहेगा ये कितना होगा, 45 डिग्री, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्टरनेट एंगल के कारण ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये 45 और ये भी 45। अच्छा, अब हमको क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हमको हाइट चाहिए, क्लियर है, हमको क्या चाहिए, टावर का हाइट चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या दिख रहा है, हमको परपेंडिकुलर में काम करना, ये हमको दिख रहा है थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अच्छा, और दोनों ट्रायंगल में देखिए बेस सेम है ना, अगर हम इसको नेम कर ले, ये अगर मेरा बी है और ये मेरा सी है, और अच्छा ये मेरा जो है सी है और ये डी है, अगर हम इस तरीके से नेमिंग कर ले तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि हम लोगों को किसका रिक्वायरमेंट है, पी अपॉन बी का रिक्वायरमेंट है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा लेना होगा। सबसे पहले 45 डिग्री के लिए देखते हैं, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ द टावर दैट इज सी बी अपॉन ए बी। ये कितना होगा, सी बी अपॉन ए बी, है ना। अच्छा, ये हम लोग को मिल गया, सी बी अपॉन ए बी होगा। सी बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ए बी का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइडेड नहीं है, है ना। तो अभी यहाँ के लिए हम लोग ये जानते हैं टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 जो है वो सी बी अपॉन ए बी के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि सी बी जो है हमारा वो ए बी के इक्वल होगा। पहला बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर ये 45 डिग्री है इसका मतलब सी बी और ए बी इक्वल होगा। फिगर में देखने में नहीं लग रहा है आपको, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें, इसके हिसाब से एग्जैक्टली ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी बी ए बी के बराबर निकला, हमको सी बी का वैल्यू ही चाहिए। अब सी बी का वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ए बी। अब ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल पे देखें, ट्रायंगल ए बी डी में, है ना, ट्रायंगल ए बी डी में अगर देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी प्लस सी बी अपॉन ए बी, ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, इतना हो गया। अब जो है टैन 60 का वैल्यू हमारा होता है √3, तो √3 विल बी इक्वल टू सी डी प्लस सी बी अपॉन ए बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए बी के जगह पे हम लोग सी बी डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको सी बी का वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम ए बी के जगह पे सी बी डाल रहे हैं इस फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, √3 इज इक्वल टू सी डी प्लस सी बी अपॉन सी बी, है ना। और यहां पे हम लोग लिख देंगे बाय 1। क्लियर है, एकदम आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बोलेंगे कि √3 सी बी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी बी, और फिर हम लोग बोलेंगे कि √3 सी बी माइनस सी बी विल बी इक्वल टू सी डी। तो ये सी डी जो है वो क्या मिला हम लोगों को, सी डी मिला √3 माइनस 1
सीबी है ना, सीडी क्या मिला रूट थ्री माइनस वन सीबी। और हम लोग को चाहिए सीबी का वैल्यू है ना, हम लोग को चाहिए सीबी का वैल्यू और सीडी का वैल्यू है फाइव, तो पुट कर देते हैं फाइव इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन सीबी। तो हम लोग को सीबी का वैल्यू क्या मिलेगा, सीबी विल बी इक्वल टू फाइव अपॉन रूट थ्री माइनस वन है ना। अच्छा ये हो जाएगा फाइव अपॉन वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन। अब ये जो रूट थ्री का वैल्यू 1.732 है ये हम लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। ठीक है यहाँ पे बोला है ना टेक रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732 और अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप रूट थ्री का वैल्यू 1.732 ही लीजिएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को मिलेगा 5 अपॉन 1.732 माइनस 1 इज 0.732 है ना, हम लोग को इतना मिलेगा। तो हम लोग को सीबी का जो वैल्यू मिल करके आएगा वो होगा 5 अपॉन 0.732 का वैल्यू है 6.8306। ठीक है तो इसको ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 6.83 करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। अच्छा ये सीबी जो है ये किस यूनिट में होगा वो हम लोग को फिगर से पता चल जाएगा। फिगर में क्या बोला गया है, हम लोग को बोला गया है कि ये सीडी 5 मीटर है ना, मतलब हमारा यूनिट क्या है मीटर है। तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर में लिखना होगा कि ये जो सीबी है जो कि हमारा हाइट ऑफ द टावर है वो 6.83 मीटर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। तो मान लेते हैं ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एक पोल है और एक टावर है। ठीक है एक पोल है और एक टावर है। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, दोनों सेम लेवल पे है। ठीक है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बोल रहा है कि ये जो पोल है हमारा और ये हमारा टावर है, वो रहा है पोल के टॉप से टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा, मतलब कुछ ऊंचाई है ना, कुछ ऊंचाई है इसका मतलब कुछ एंगल बनेगा। और ये जो एंगल है वो कितना है, इट इज 60 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा टावर ज्यादा लंबा है एज कंपेयर टू हमारा पोल। क्लियर हुआ, चलिए यहां तक तो बात क्लियर हो गया। इसके आगे सोचते हैं और क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऑफ द फुट ऑफ द टावर, टावर ये है टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कहां से इसी पॉइंट से। ठीक है इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा ये वाला एंगल होगा वो कितना है, इट इज 30 डिग्री। कितना बोला 30 डिग्री, तो हम लोग यहां पे डालेंगे 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। क्लियर है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हम लोगों से पूछा गया है, इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए।
जब हम लोग को बोल दिया गया है इफ द हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर, पोल का हाइट कितना है 20 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस 20 मीटर है। अगर ये डिस्टेंस 20 मीटर है तो ओवरऑल यहां तक का डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा 20 मीटर होगा। कितना दूर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, समझ में आ रहा है, ये लेंथ क्या होगा 20 मीटर होगा, हमको सिर्फ इतना लेंथ का रिक्वायरमेंट है। ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स है, हमको सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, x प्लस 20 जो है वो मेरा हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा, है ना। अच्छा नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग क्या कर ले, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं और इसको e ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है सबसे पहले इस पे बात करते हैं, ये ट्रायंगल EDC में है ना, ट्रायंगल EDC में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन द बेस CD, ये रहा हमारा इक्वेशन वन। अगर हम tan 60 डिग्री के बारे में बात करें तो वो x अपॉन CD होगा, ये x ये बेस हमारा CD, क्लियर है। अच्छा और इसी में अगर हम लोग बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें ABD में, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AB, और AD हमको पता है कि वो 20 मीटर है, तो 20 अपॉन AB, क्लियर है, ये हमारा रहा क्वेश्चन टू। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 2 को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3, इट इज इक्वल टू 20 अपॉन ए बी, यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। तो ए बी का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा 20√3, ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा 20√3, और सिंस ये मीटर में दिया हुआ था तो ये भी आंसर हमारा किसमें होगा, मीटर में होगा। ये किसका मिला, हम लोगों को एबी का वैल्यू मिला। अब जो हमारा एबी है वही हमारा सीडी होगा, है ना, जो हमारा एबी है वही हमारा सीडी होगा, तो अब हमारा सीडी क्या होगा, हमारा सीडी भी हो जाएगा 20√3 मीटर, क्लियर है। तो अब हम लोग इस सीडी को यूज करेंगे इक्वेशन वन में, ठीक है। तो हम लोग ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीडी क्वेश्चन वन में जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले tan 60 के बारे में बात करते हैं, tan 60 मतलब √3, √3 इज इक्वल टू x अपॉन सीडी, मतलब x अपॉन 20√3, है ना, x अपॉन 20√3, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, x इज इक्वल टू 20√3 × √3, दैट इज 20 × 3 इज इक्वल टू 60 मीटर, कितना मिला x का वैल्यू 60 मीटर, है ना। अच्छा और हम लोगों को क्या पूछा गया था, हम लोगों को पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है, ईबी, ईबी मतलब एक्स प्लस 20, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 विच इज इक्वल टू 60 + 20 विच इज इक्वल टू 80 मीटर, क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप लोग जब बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनेगा, बस सिर्फ आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4, सम स्टूडेंट्स विश टू फाइंड द हाइट एक्स ऑफ अ बिल्डिंग। कुछ स्टूडेंट है जो क्या करना चाहते, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट एक्स है, जो हम लोगों को फिगर में दिख रहा है, इस एक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और कुछ जो है हाइट वाई भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि हमारा इस बिल्डिंग के ऊपर में फ्लैग पोल है, ठीक है, जिसमें हम लोग झंडा फहराते हैं, वो वाला पोल है, ठीक है, इस वाई को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं। दे मेड द मेजरमेंट्स एज शोन इन द डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो लोग अपना मेजरमेंट किए। तो जब वो लोग इस पूरे बिल्डिंग प्लस झंडे के का पोल को मिला करके अगर हम लोग देख रहे थे, वो लोग देख रहे थे, तो उनको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला, टोटल 63 डिग्री मिला, है ना। जब पूरे झंडे और पूरे बिल्डिंग के हाइट को वो लोग मिला करके पूरे ऊपर को देख रहे थे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला, 63 डिग्री। और उन लोगों को यह भी पता चला कि बिल्डिंग और फ्लैग का जो टॉप पोर्शन है, जहां पे फ्लैग लगाया जाता है फ्लैग पोल में, तो उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 3 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने नोट डाउन किया। तो ओवरऑल क्या पता चला, ये जो छोटा ट्रायंगल हम लोग को फिगर में दिख रहा है, ये फिगर का जो एंगल है, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल एंगल 63 डिग्री है, तो ये 63 माइनस 3 डिग्री होगा, दैट मींस 60 डिग्री। मतलब छोटा ट्रायंगल के लिए एंगल क्या है, 60 डिग्री, और वही बड़ा ट्रायंगल के लिए अगर बात करें तो वो एंगल क्या है, 63 डिग्री। समझ में आ रहा है। चलिए अब जो है हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। जब हमको पता है कि ये बिल्डिंग का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, 50 मीटर, ठीक है, इसका हम लोगों को आंसर चाहिए, वो भी नियरेस्ट मीटर में चाहिए, है ना, किसमें चाहिए, नियरेस्ट मीटर में चाहिए। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल में बेस 50 सेम है, है ना, और हमको चाहिए हाइट। इसका मतलब क्या है, हमको परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा लेंगे। तो सबसे पहले 60 डिग्री के लिए सोचते हैं, तो 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और हमारा परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, ये एक्स से छोटे ट्राइंगल के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन, बेस हमारा क्या है, 50। तो ये हमको पहला इक्वेशन मिला, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू टैन 60 इंटू 50, टैन 60 क्या हो जाएगा, रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 50, दैट इज 50 रूट 3। अच्छा ये मीटर में है, तो ये आंसर भी मीटर में होगा, ठीक है, यूनिट जरूर से लिखिएगा। ये x का वैल्यू हो गया। अब y पे सोचते हैं, तो टोटल देखिए, अगर हम इस पूरे पे बात करें, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल पे बात करें, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगा tan 63 डिग्री का, है ना, हमको किसका जरूरत पड़ेगा, tan 63 डिग्री का जरूरत पड़ेगा। tan 63 डिग्री विल बी इक्वल टू y प्लस x अपॉन 50, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, y प्लस x, और बेस क्या है, 50, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस x अपॉन 50, ठीक है। अच्छा हमको चाहिए होगा tan 63 डिग्री का वैल्यू, तो tan 63 डिग्री का वैल्यू जब हम लोग टेबल में चेक करेंगे, तो वैल्यू आएगा 1.9629, कितना आएगा, 1.9629, इट इज इक्वल टू y प्लस x अपॉन 50। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, y प्लस x का वैल्यू चाहिए, y प्लस x विल बी इक्वल टू 1.9629 इंटू 50, है ना, कितना होगा, 1.9629 इंटू 50। अब देखते हैं 1.9629 इंटू 50 क्या देगा, 1.9629 इंटू 50, तो ये हमको मिलेगा 98.145,
ठीक है, कितना मिलेगा 98.145, किसका वैल्यू, y प्लस एक्स का वैल्यू। ठीक है, हम लोगों को क्या पूछा है, फाइंड x एंड y, है ना, हम लोगों को x प्लस वाई टोटल तो पूछा नहीं है, हमको x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हमको x प्लस वाई मिल रहा है और हमको एक x का इक्वेशन मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई और x के इक्वेशन को यूज करते हैं, x प्लस वाई और x के इक्वेशन को यूज करते हैं। x प्लस वाई में हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, हम लोगों को मिलेगा y प्लस x का वैल्यू क्या है, 50√3, 50√3 इज इक्वल टू 98.145, है ना, ठीक है। ये 50√3 का मतलब क्या हो गया, 50 × 1.732 इट इज इक्वल टू 98.145, है ना, ये मिलेगा हम लोगों को। अब देख तो y क्या होगा, अभी फिलहाल इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 × 1.732 इज इक्वल टू 86.600 कितना होगा, 86.600, ठीक है, अच्छा, इट इज इक्वल टू 98.145, है ना, तो ये हम लोगों को मिला। तो हम लोगों को y का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 98.145 माइनस 86.600 ये हो जाएगा 11.545, क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा 11.545 मीटर। ठीक है, ये हमको किसका वैल्यू मिला, जो हमारा ये जो फ्लैग पोल था उसका हमको हाइट मिल गया 11.545 मीटर, कितना मिला 11.545 मीटर। तो ये 11.545 मीटर हमको y का वैल्यू मिला। ठीक है, अब हमको x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू क्या है, 50√3, 50√3 का मतलब अभी जस्ट हम लोग देखे थे, 50√3 का मतलब है यहाँ पे 86.600, है ना, 50√3 का वैल्यू 86.600, तो x का वैल्यू क्या होगा, 86.600 मीटर, या फिर 86.6 मीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 86.60 मीटर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये 11.5 मीटर है और ये 18.6 मीटर है। ठीक है, 86.6 मीटर है, सॉरी ये 86.6 मीटर होगा। ठीक है, वन डिजिट पे अगर हम बात करें तो ये 11.5 मीटर होगा, है ना, तो ओवरऑल हमको दोनों x और y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू क्या मिला 11.5 मीटर, और अगर हम लोग y के बारे में बात करें, सॉरी x का वैल्यू 86.6 मीटर और y का वैल्यू क्या आया 11.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, समझना है हम लोगों को, हम लोगों को पूछा क्या है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ x एंड y पूछा है। अगर हमको बोलता कि पूरा x प्लस y का वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या करते, हम लोग x और y का वैल्यू को जोड़ देते, या तो फिर ये जो x प्लस y का वैल्यू हम लोग को मिला है वो डायरेक्टली हम यहीं से बता देते कि 98.145 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन में जो है हम लोग को यहाँ पे नियरेस्ट मीटर के बारे में भी बोला गया है ना, कि जो आंसर है उसको नियरेस्ट मीटर में भी रखना है। अब नियरेस्ट मीटर के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, हमारा एक्स जो है वो कितना है, 86.6 का मतलब क्या है, 6 होने के कारण अगर इसका नियरेस्ट मीटर के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 87
तो नियरेस्ट मीटर में 87 मीटर वो होगा, ठीक है। वही 11.5 नियरेस्ट मीटर में क्या होगा, 12 मीटर, क्लियर है। 11.5 नियरेस्ट मीटर में 12 मीटर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का जो है पूरा चैप्टर का जो जितना भी मेन मेन क्वेश्चन है वो सब मैंने इसके अंदर में डाल दिया है। आप जो है आप आराम से जो है अब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है उन सभी को फॉलो अप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो सकता है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फ्रॉम अ बोट 300 मीटर्स अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ। अच्छा ये जो क्लिफ है, क्लिफ का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना समुद्र या फिर नदी के आसपास में एक पहाड़ जैसा होता है, एक पत्थर का जो है बहुत बड़ा जो होता है ना एक एरिया होता है उसको हम लोग क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्लिफ है, ये मतलब क्या है, पत्थर का एक बहुत बड़ा एरिया है और उसके ऊपर में एक पिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ बोट 300 मीटर्स अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ, इस क्लिफ से 300 मीटर दूरी पे जो है क्या है, एक बोट है। और क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द वर्टिकल कंक्रीट पिलर एट द एंड एज ऑफ द क्लिफ आर 55 डिग्री 40 मिनट एंड 54 डिग्री 20 मिनट। बोल रहा है क्या कि एक पिलर है, पिलर के अगर ऊपर में बात करें तो उसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 55 डिग्री 40 मिनट। कितना बन रहा है, 55 डिग्री 40 मिनट। वही अगर हम लोग इस क्लिफ के अपर सेक्शन में बात करें, यहां पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 54 डिग्री 20 मिनट। ये एंगल कितना बन रहा है, 54 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो ये दो एंगल्स हम लोगों को मिल रहा है। अब इन दो एंगल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। हमको ये हाइट ऑफ द पिलर चाहिए, हमको ये हाइट ऑफ द पिलर चाहिए, ठीक है। अब ये जो हाइट ऑफ द पिलर है ये हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये बिगर ट्रायंगल लेना होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं बिगर ट्रायंगल का, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, बिगर एच है, हम लोग ये मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एच वन है, क्लिप का हाइट क्या है, एच वन है। अगर हम बिगर एच से एच वन माइनस कर दे तो हम लोग को एच मिल जाएगा, हाइट ऑफ द पिलर है ना। तो बस हम लोग को इतना ही काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बिगर ट्रायंगल लेंगे। बिगर ट्रायंगल मतलब, बिगर ट्रायंगल में देखिए हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, हमको हाइट चाहिए, हाइट चाहिए और साथ ही साथ हमको बेस गिवन है। तो हाइट और बेस, ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर के रूप में एक्ट करेगा इस थीटा के सामने, क्या है, परपेंडिकुलर है वो, है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल 55 डिग्री 40 मिनट, है ना, क्योंकि हमारा बड़ा वाला एंगल क्या है, 55 डिग्री 40 मिनट। टैन 55 डिग्री 40 मिनट क्या होगा, P by B के इक्वल होगा। P हमारा जो है वो है हमारा बिगर हाइट H, और साथ ही साथ अपॉन बेस जो कि है 300, है ना। अब टैन 55 डिग्री 40 मिनट का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू आएगा 1.4641। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर के देखें तो हम लोग क्या यहाँ पे यूज क्या करेंगे, 1.4641 इंटू 300 इज इक्वल टू बिगर एच, ये 300 अगर एलएचएस के तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, एच का वैल्यू होगा 1.4641 इंटू 300, इसका वैल्यू आ रहा है 439.23 मीटर्स। तो बिगर एच का वैल्यू क्या आया, 439.23 मीटर्स। अब हम लोग क्लिफ दैट इज एच वन का वैल्यू निकालेंगे, हाइट ऑफ द क्लिफ। तो उसके लिए हम लोग स्मॉलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। स्मॉलर ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं
टैंजेंट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया जो है वो कितना है, 54 डिग्री 20 मिनट। कितना है? 54 डिग्री 20 मिनट। इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये हाइट h1 अपॉन बेस। बेस हमारा क्या है? 300 है ना। तो h1 क्या होगा हमारा? h1 जो है हाइट ऑफ द क्लिफ वो होगा 300 इंटू टैन 54 डिग्री 20 मिनट। और टैन 54 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू है 1.3933। इसको सॉल्व करेंगे 1.3933 इंटू 300 आएगा 417.99। ठीक है। और हम लोग को क्या पूछा है? हम लोग को पूछा गया है हाइट ऑफ द पिलर, है ना। हम लोग को पूछा गया है हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ द पिलर जो है वो बिगर एच माइनस हाइट ऑफ द क्लिफ है, दैट इज एच वन। तो बिगर एच हम लोग को कितना मिला? 439.23 माइनस एच वन हम लोग को कितना मिला? 417.99, है ना। ठीक है। तो हम लोग को ओवरऑल क्या मिलेगा? 439.23 माइनस 417.99, तो हम लोग को मिलेगा 21.24 मीटर्स। अच्छा, अब जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला है नियरेस्ट मीटर में, है ना। जो हाइट है उसको हम लोग को नियरेस्ट मीटर में हमको बताना है। अगर हम नियरेस्ट मीटर में बात करें तो वो क्या होगा? वो लगभग अगर यहाँ पे 21.24 है फर्स्ट, अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 है तो ओवरऑल हम इसको बोल सकते हैं नियरेस्ट मीटर में कि ये 21 मीटर के लगभग होगा। ठीक है। अगर हम राउंड ऑफ करें इसको तो नियरेस्ट मीटर में ये 21 मीटर के लगभग का होगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 मीटर। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जितना भी क्वेश्चन है चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो आराम से कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।